राधे राधे दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक माह की 28वें अध्याय की 28वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कार्तिक का महीना भगवान नारायण का स्वरूप होता है और 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कार्तिक का महीना माना गया है। जिस प्रकार अधिक मास का पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास का भी पुण्य फल अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में प्रत्येक दिन जल्दी स्नान करने से, कथाओं का श्रवण करने से, दान पुण्य करने से और अनेक प्रकार की पूजा अर्चना और अनुष्ठान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कार्तिक मास में प्रत्येक दिन जल्दी स्नान करने से, कथाओं का श्रवण करने से, दान पुण्य करने से और अनेक प्रकार की पूजा अर्चना अनुष्ठान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा आपके पुण्य का उदय होता है और संसार में सुखों की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य का उदय होता है तब धर्म, अर्थ, कर्म और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हम कार्तिक माह की 28वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। सब हाथ जोड़कर भगवान नारायण से प्रार्थना करेंगे जिससे इस कथा का पुण्य फल हमें भी प्राप्त हो। जय जय श्री राधे राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ से कार्तिक माह की 28वें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए? गणों ने कहा, प्राचीन काल में तरुण बिंदु की पुत्री देवहूति से कृदम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति ने गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत किया करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मृत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया और दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आ गए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के दो बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही होगा। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं जाना चाहते हो, इसलिए तुम गृह हो जाओगे। अजय ने जय को दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है इसलिए तू हाथी हो जाएगा। ग्राह यानी मगरमच्छ। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव,
हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य नहीं होगी, यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्त राज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतएव तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गणिक नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडक की नदी में गया। जब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी पकड़ लिया, मगर ने पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु को स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा इन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर नित भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला मकर और मेष की संस्कृति में नित्य प्रातः स्नान किया करो और एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर कांची बैंगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुम विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दिया है, उसके फलस्वरूप हम कलहा को बैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा प्रथु से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलहा को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तलीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है या सुनाता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। आज के इस अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय जय श्री राधे, श्री राधे राधे। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे।